बस आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट में किसी भी आइटम को डुप्लीकेट कैसे कर सकते हो। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसान से ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये माइनक्राफ्ट पॉपुलर एडिशन का एक ग्लिच स्लैश बग है जिसको मैं भी इस्तेमाल करता हूँ पर्सनली, क्योंकि माइनक्राफ्ट में इतना ग्राइंड कौन करे। और ये माइनक्राफ्ट पॉपुलर एडिशन जो इसको इस्तेमाल करते हैं इस ग्लिच को, ये उनके लिए ग्लिच नहीं वरदान से कम नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हो चुके काफ़ी ज़्यादा फालतू की बातें, चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको किसी भी खाली से एरिया में आ जाना है, देन आपको वहाँ पर एक चेस्ट को प्लेस कर देना है, एंड देन आपको अपने वर्ल्ड को सेव एक्सक्यूट कर देना है। फिर आपको अपने वर्ल्ड को दोबारा से चलाना है, एंड आपको वो चेस्ट खोल के उसके अंदर जो भी आइटम आपको डुप्लीकेट करना है वो रख देना। आप यहाँ पर किसी भी आइटम को डुप्लीकेट कर सकते हो, मैं यहाँ पर गोल्ड डायमंड आयरन को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। देन आपको अपनी चेस्ट को बंद करके एक ब्लॉक को छोड़कर आगे के 8 ब्लॉक को तोड़ देना, कुछ इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हो। एंड देन आपको अपने वर्ल्ड को फोर्स एंड क्यूट कर देना, यानी कि अपने फ़ोन के बैकग्राउंड से भी हटा देना है। एंड देन आपको अपने माइनक्राफ्ट को दोबारा से चलाना है, एंड देन आपको अपने माइनक्राफ्ट में अपने वर्ल्ड को चलाना है जिसमें आपने आइटम को डुप्लीकेट किया था। एंड देन आप देख सकते हो कि मेरे इन्वेंटरी में भी वो सामान है, एंड देन देख सकते हो चेस्ट में भी वही सामान है, और ये बिल्कुल वीडियो फेक नहीं है, बिल्कुल ही रियल है, ट्रिक बिल्कुल ही काम करती है। और ध्यान रखना कि आप इस ट्रिक को सही से वर्क करें जैसे मैंने आपको बताया है, नहीं तो ट्रिक काम नहीं करेगी। कई लोग आधी वीडियो देख के चले जाते हैं और उनको पता ही नहीं लगता। चाहिए तो बस इतनी ट्रिक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज के लिए बस इतना ही।